हस्बैंड है जो इमर जाए उमर गए जो उसके ऊपर थोड़ा चलाया गया है। हमको इंसाफ चाहिए, भाई इसमें सील लगा दे देना चाहिए उसका बिल्डिंग में। हम बोल दे रहे हैं हमको मेरे ऊपर बहुत जुल्म करता था, बहुत रात दिन गाली देता था। उसका भी वाइफ और उसके सवाल सब मिल गया, उनका माँ बहन सब नोच के मारा है। अभी नहीं करता था। हम सोचता था छोटा छोटा बात के लिए करता है, पाइप के लिए तो पानी के लिए तो हम लोग क्या नहीं करता था। हमको नहीं मालूम कि ये प्लान बना के सब आदमी को बुला के रखा हुआ था वहाँ घर में छिपा के। अब मेरे शौहर बोलने किया कि गाली काहे वगैरह, बस पीछे से आके मार दिया हथौड़ा। स्वागत है आप सभी का सुपर न्यूज 24 में। जैसे कि आपको मैंने बताया कि मटिया ब्रूज में एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी का मर्डर कर दिया और इस वक्त हम मौजूद है गार्डन रिज के बंगला मस्ती इलाके में, जहाँ पे इस मामले को तह तक जानने के लिए हम लोग आए हैं। जैसे कि आपको बता दें कि हम लोग एक घंटा से यहाँ पे पहुंचे हुए, लेकिन प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार रोक लगा रही है और मृतक के परिवार से बात करने नहीं दे रही है। और आपको बता दें कि जिसने यह मर्डर किया है वो जब से मर्डर किया वो फरार है, तब से फरार है। तो मुझे पहले नाम बताइए जिसने मर्डर किया उनका नाम क्या? जिसने मर्डर किया उसका नाम नैयर है, साबुनगल में काम करता है, ठीक है, साबुन कंपनी में काम करता है। उसकी उसका माँ का नाम लाडली है और मतलब बहुत नहती बदमाश लड़का था वो। हर 4-5 दिन में गाली गुफ्ता करते रहता है, हर 4-5 दिन में कुछ ना कुछ किसी ना किसी को करते रहता है, मगर आदमी नहीं बोलता है, इंसानियत का फायदा उठाता है। अभी लास्ट टाइम इतना बड़ा हादसा हो गया, किसी को नहीं पता था। जिसको मारा वो बहुत शरीफ आदमी था, कभी इतना साल में हम लोग बच्चा से बड़ा। उनका नाम क्या था जिनका? जिनको मारा उनका नाम अनीस है। अनीस है तो मैं उनके फैमिली से बात करने जा रही थी, उनके परिवार से, लेकिन प्रशासन लगातार रोक लगा रही थी और बात करने नहीं दे रही थी। तो फिलहाल मैंने आसपास के जो लोग हैं उनसे ही मैं बात कर रही हूँ। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि विवाद एक्चुअली हुआ क्या था, कैसे शुरू हुआ था? शुरू एक पानी नॉर्मल था, पाइप से पानी गिर रहा था। एक आदमी बोला कि ऐसा पानी गिर रहा है, तो वो बोला ठीक है हम देख करके क्लियर करवा देंगे। उसमें उसका बहन आई, छोटी बहन गाली गुप्ता करने लगी। उसका भाई नैयर जो था क्रिमिनल, वो बाहर था, वो थाने स्पॉट पे। वो आया, जैसे ढूंका वो गाली गुप्ता करते हुए आया, वो आदमी लोग खड़े हुए थे उसके घर के, आदमी लग के मारने लगा। 4-5 आदमी था, एक आदमी पीछे से पकड़ लिया, एक आदमी हथौड़ी से मारा, उनका गर्दन में लगा, गर्दन ऐसे हो गई। हाँ। ये तो झगड़ा मैंने हो रहा था पानी को लेकर, ये पहले भी हुआ था कि नहीं, पहले नहीं हुआ। वो गुंडागर्दी करता था हर टाइम, मतलब शरीफ आदमी के सामने चढ़ के रहता था, जब तब गाली गुप्ता करते रहता था। अब आदमी क्या बोले, कितना बर्दाश्त करेगा आदमी। एक बार काउंटर किया कि भाई तुम गाली गुप्ता क्यों करते हो, क्यों बोल रहे हो इतना बार बार, तो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमको सामने से बोल रहा है। तो 4-5 लड़का लोग मिलकर मारने लगा। हम लोग उस पे स्पॉट पे जब हम लोग गए तो उनको वो गिरे हुए थे, हम लोग पहले झगड़ा करेंगे या उनको उठाएंगे, इंसानियत तो यही है उनको उठाने का। हम लोग उनको उठाया, फिर हम लोग ये किया, लोग गेट बंद कर दिया, हम लोग गेट में लात वात भी मारे, गेट खुला नहीं अभी तक। जैसे कि मैंने आपको बोला था प्रशासन लगातार 1-1.5 घंटा से रोक लगा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने आने का कोशिश किया और जो मृतक है उसके परिजन से हम लोग बात करेंगे। तो पहले तो ये बताइए आप कौन है उनके? हम, मेरा हस्बैंड है जो इमर जाए उमर गए जो उसके ऊपर थोड़ा चलाया गया है। हमको इंसाफ चाहिए, भाई इसमें सील लगा दे देना चाहिए उसका बिल्डिंग में। हम बोल दे रहे हैं हमको यहाँ पर ही, मैंने तो आज हमरा मियाँ को मारा गया, कल मेरा बेटा रहेगा, कल मेरा बेटा बहू को मारेगा। उसको मेरे ऊपर बहुत जुल्म करता था, बहुत रात दिन गाली देता था। उसका भी वाइफ और उसके शौहर सब मिल गया, उसका माँ बहन सब नोच के मारा है। नोच के मारी अम्मी को, मेरी पापा को तो देख ही लिए आप लोग, मार के हथौड़ा से। और पसे हम लोग को घसीट घसीट के मारा घर में घुस के, उसका रिश्तेदार लोग, बनोई लोग, बहन लोग, भाई लोग सब मिल के मारा, माँ लोग सब मिल के। पहले भी मैंने झगड़ा हुआ? हाँ, पहले भी ऐसा ही हम लोग से हमेशा लगता रहता था। हम लोग कभी नहीं करता था, हम सोचता था छोटा छोटा बात के लिए करता है, पाइप के लिए तो पानी के लिए झाड़ू के लिए तो हम लोग क्या नहीं करता था। हमको नहीं मालूम कि ये प्लान बना के सब आदमी को बुला के रखा हुआ था वहाँ घर में छिपा के। अब मेरा शौहर बोलने किया कि गाली काहे वगैरह, बस पीछे से आके मार दिया हथौड़ा। और हम लोग को औरत लोग नोचा नोची करने लगी। आप कौन है? उनकी डॉटर है।
लड़की लोग को बुलाया गया था, लड़की को दामाद को बहू को हम कल दावत दिया था कि मेरा लड़की लोग आया बाहर से, बहू लोग दामाद है तो दावत दे के बुलाया था, तो हम लोग को नहीं मालूम था, बोल तो रहे की प्लान बना के लोग काम किया सबको बुला के। कल हम लोग का कल अवतार पार्टी था, तो इसी के लिए कल अवतार पार्टी भी हम लोग का हुआ नहीं, तो मार बोल के पैक कर चले गया। बस हमको इंसाफ चाहिए, हमको यार कुछ नहीं चाहिए, मार का बदली मार चाहिए। इसका बिल्डिंग में कोई फैमिली या कोई उसका गुस्टी खानदान नहीं रह सकता है, इसमें सील लगा दीजिए तुम। आज सजा चाहिए उसका, उसका मौत, उसका मौत, उसका मौत चाहिए, उसका बिल्डिंग, उसका कोई रैयत और कोई प्रजा उसका सील मारिए, मार का बदली मार। नहीं तो आप लोग फैसला करिए, आप लोग ही करिए, बोलिए तो इंसाफ दिलाइए, आप लोग इंसाफ दिलाइए हमको। प्रशासन जो है अभी मुझे आने से रोक रही थी, अंदर आने से, और ऐसा बोला जा रहा था कि यहाँ पे जांच चल रहा है, तो मुझे ये बताइए कि चल क्या रहा था। यहाँ सब झूठ बोला जा रहा है, हम तो घर के अंदर, आप तो एक बार आए, हम लोग को तो देखे घर के अंदर थे, हम रो रहे हैं, अब मेरा स्वामी मर गया, हम वहाँ पे क्या करेगा बोल के ही करके। हमको इंसाफ चाहिए, हम आप लोग से वैसे उम्मीद यही रखते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, उसका इसमें सील मारा जाए, उसका कोई गुस्टी इसमें नहीं रहे, बस इतना ही हम आप लोग से उम्मीद रखते हैं। जब ये वाकया हो गया तब अंदर सब था, मेरे हस्बैंड लोग दरवाजा, जब मेरे पापा को लेके हॉस्पिटल चल गए, दरवाजा तोड़ तोड़ के, इतना कि कोई महल्ला वाला साथ नहीं दिया, और उसका दरवाजा को घेर लिया कि तोड़े नहीं, निकले नहीं बाहर, आदमी बाहर की भाग गया, ठीक सब भगा दिया गया उसको। तो यहाँ महल्ला का आदमी भी उन लोग का साथ दिया है, थोड़ा नहीं पुलिस लोग नहीं थे, मैंने मोहल्ला के कुछ लोग उनके साथ दिए, उनके साथ दिए सपोर्ट, अब वो भी सपोर्ट में है, तभी ना आप लोग को अंदर नहीं आने दिया, तभी ना पकड़ दिया, आप लोग को भी रोक रहा है। बिल्कुल, मैं जब आ रही थी अंदर तो किसी ने रोका था, आप लोग ने शायद मेरा लाइव देखा होगा, बाइक से कोई आ रहा था, उसने उन्होंने मुझे रोका था। अच्छा, तो फिर इससे तो अच्छा लगता है, लोग सपोर्ट ही में है, यहाँ भी लोग सपोर्ट ही कर रहे हैं ज्यादातर, तभी तक अभी तक कुछ पता नहीं चला कि हम लोग तुम्हारा तरफ से हैं, हम सब पूरा मोहल्ला सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारा शहर मेरा मर्डर हुआ है, हम लोग तुम्हारा साथ दे रहे हैं, और उस लोग का भी साथ दे। अभी तक का पुलिस को एक्शन लिया नहीं है, जो क्रिमिनल है वो फरार है, अभी तक का पकड़ाया नहीं है, पुलिस का कोई एक्शन नहीं है, रात भर पुलिस यहाँ बैठा हुआ था, कोई लाभ नहीं है बैठने से, ये क्रिमिनल जगह थोड़ी जो बम गोली चलेगा। पुलिस लगातार एक घंटे से रोक रही थी, पुलिस अंदर जाने नहीं दे रही, और तलाशी भी अभी जारी है। तलाशी किस चीज का जारी है? अभी मुझे यही बताया गया है कि तलाशी जारी है, कोई तलाशी जारी नहीं, सब बेवकूफ बनाया जा रहा है, मीडिया वाले लोग को नहीं अंदर जाया जा रहा है, कोई तलाशी जारी नहीं है, हम लोग भी यहाँ रह रहे हैं, हम लोग सुबह 6 बजे तक का थे, फिर गैस सोने के हम लोग रोजा रख करके, कोई तलाशी जारी नहीं है, पुलिस अपना बैठा हुआ चुपचाप से, कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं लेगा, वहाँ कोई बम गोली जरूर रखा हुआ जो तलाशी लेगा, आदमी आसामी तो भाग गया, ये तो बेवकूफ बना रहा पब्लिक को, तलाशी किस चीज का लेगा, उसका तो घर में कोई परिवार है नहीं है, सब तो निकल गया, भाग गया है। तो काउंसलर को पता है इस बात को, आप लोग ने बोला कुछ ऐसा? काउंसलर के बारे में हम नहीं कुछ बोलेंगे, काउंसलर का हमारा आदमी लोग आना जाना कर रहा है, काउंसलर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, काउंसलर बहुत अच्छे आदमी है, हर चीज में आगे बढ़ करके रहते हैं, अभी इतना कुछ भी छोटा से छोटा बात होता है काउंसलर आगे रहते हैं, हम लोग काउंसलर का पूरा सपोर्ट में है, काउंसलर हम लोग बहुत अच्छा आदमी है काउंसलर, हर एक चीज में अनिल भाई हम लोग 134 लंबा वार्ड काउंसिलर हर चीज में आगे रहते हैं, हम लोग उनको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, हर चीज में रहते हैं, अभी अनिल भाई नहीं है स्पॉट में, उनके आदमी लोग है, ठीक है, हाँ स्पॉट में आदमी लोग है, सूबे से है, इतना इंसानियत दिखा रहे बहुत है काउंसिलर, इसमें कोई हाथ नहीं है, इसमें पॉलिटिकल मामला नहीं, मतलब आपको लग रहा है कि जो पुलिस लगातार रोक लगा रही है मीडिया को, मतलब इसके पीछे क्या राज हो सकता है, इसके पीछे क्या राज है, तो हम लोग को नहीं समझ पा रहे, गेंद दबाना चाह रही है शायद, हम लोग खुद ही नहीं समझ पा रहे इसमें क्या बात है, इसमें क्या राज है, गेंद दबाना चाह रही है और क्या, हम लोग मीडिया चाहिए और क्या, हम लोग इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, बिल्कुल। अब आप लोग बेहतर जानते हैं इसका सजा क्या होता है, हम लोग तो लॉ पढ़े नहीं है कि लॉ में क्या पढ़ा है, हम लोग ये पढ़े नहीं है, मर्डर का क्या केस है, कितना धारा बनता है, कितना क्या बनता है, ये तो हम लोग पढ़े नहीं है, आप लोग बेहतर जानते हैं, तो आप लोग अपील करिए, आप लोग अपना आवाज को बढ़ाइए कि इसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए।